माय नेम इज गौरव। टुडे आज हम लोग पाइथन पढ़ेंगे। दिस माय फर्स्ट लेक्चर। बेसिकली आज के टाइम में पाइथन जो है बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हो रही है, बट लोग समझते हैं कि इट्स वेरी न्यू लैंग्वेज, बट ऐसा नहीं है, इट्स वेरी ओल्ड लैंग्वेज। इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था दैट इज़ इन 1990, जो गाइडो वैन रसम ने गूगल के लिए बनाया था, रिलीज 1991 में हुआ था। आफ्टर स्टैटिक चेंजेस एंड अपडेशंस इट विल फाइनल वर्जन हैव केम इन 2008 पाइथन 2.0। करंटली वी आर यूजिंग पाइथन 3.8.2 वर्जन फॉर्मेट एंड अदर फॉर 2.7 ऑल्सो। सो पाइथन इज नॉट वेरी न्यू लैंग्वेज, इज वेरी ओल्ड लैंग्वेज। नाउअडेज इट कम्स इन यूज फॉर एवरी पर्पज कॉज इट्स वेरी इजी लैंग्वेज। बेसिकली वाई विल यूज पाइथन, हम लोग पाइथन क्यों यूज करते हैं? विल यूज पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, क्या यूज़ है इसका? वेब डेवलपमेंट में यूज़ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ है, मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होती है इसका, सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है। सो क्यों? क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज है ये। तो पाइथन करती क्या है? बेसिकली पाइथन जो है वो वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होती है। इट कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम्स ऑल्सो, बिग डेटा हैंडल के लिए डेटा हैंडलिंग के लिए होता है, इट परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स ऑल्सो। तो बेसिकली जो पाइथन है बहुत ईजी लैंग्वेज भी है। रीजन बिहाइंड इज हाई लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज यू नो दैट कि हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनमें हम एक कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, विच वी कैन अंडरस्टैंड, मीन्स विच यूज़र कैन अंडरस्टैंड, जो यूज़र समझ सकता है। और इट्स बेस्ड ऑन इंटरप्रेटेड, इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड सिस्टम बेस्ड है। सो इंटरप्रेटेड सिस्टम क्या होता है कि इट द प्रोग्राम विच यू विल डू ऑन पाइथन बाई यूजिंग पाइथन, तो ये लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है, और इसे डिबगिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अदर लैंग्वेज जावा है और सी है, सी प्लस प्लस, दे आर कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता था, यू विल राइट अ फुल प्रोग्राम एंड देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, देयर आर विल कम देन यू विल रेक्टिफाई अगेन, यू विल एग्जीक्यूट इन दैट। इन दिस लैंग्वेज व्हेनेवर यू विल एग्जीक्यूट राइट द प्रोग्राम राइट एट द टाइम, एट द सेम टाइम इट विल एग्जीक्यूट ऑल्सो। सो पाइथन इज अ इंटरप्रेटर सिस्टम बेस्ड लैंग्वेज। द प्रोग्राम सिंटेक्स इज वेरी इजी, सिंपल सिंटेक्स होता है, सिंपल सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं वो इजी हो जाता है। सेमी कलन्स वगैरह हम लोग अदर लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, इसमें नहीं यूज़ करते हैं। फॉर एवरी स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, डेटा टाइप्स हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एज यू विल इनपुट अ डेटा अकॉर्डिंगली इट विल कन्वर्ट इट इन टू द डेटा टाइप विच एवर यू रिक्वायर्ड। सो इट्स वेरी इजी लैंग्वेज। तो हम लोग जो पाइथन होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक विंडोज़, मैक, लिनक्स, ठीक है। पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स, मैंने बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज के तरीके से होता है। प्रोग्राम जो है कुछ फ्यूअर लाइंस में ही लिख जाता है, बहुत कम लाइंस का यूज़ करना पड़ता है, बहुत लेंदी प्रोग्राम्स नहीं होते हैं इसमें। में छोटी लाइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, I have told you already. So now this language is coming up very fast and it's very popular language nowadays. So courses mein bhi aa rahi hai. So let's start in next lecture. We will start the creation, the programming creation, the instruction, how you will give the instructions, how you will write the syntaxes for programming. So now ready for the next lecture. Thank you.